कि अगर आप ये सोच के वहाँ शादी करते हो कि वो भाई महिला है वहाँ की, वो बदलेगी या कुछ एडजस्टमेंट करेगी, तो फिर ये आपकी फिर सबसे बड़ी भूल होगी। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो ना कि राजा भैया, हमें ब्राज़ीलियन लड़की से शादी करनी है तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं। लाइव्स हो या कमेंट्स हो या फेसबुक पेज का मैसेंजर हो, हर जगह कमेंट आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्राज़ील में महिलाओं की मानसिकता कैसी रहती है। ये कोई जनरलाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की मानसिकता वैसे ही है वहाँ पर ब्राज़ील में। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि महिलाओं की मानसिकता कैसी रहती है और रिलेशनशिप्स वहाँ पे कैसे होते हैं ब्राज़ील में। तो एक आपको अच्छी खासी जो है समझ आ जाएगी ये वीडियो देखने के बाद कि भाई, हमें वहाँ की लड़की से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करेंगे तो वो शादी सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में कैसा होता है कि जब हम शादी करते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही गाड़ी में बैठ के चलते हैं, एक ही गाड़ी हो जाती है, दोनों की एक ही लाइफ होती है, ठीक है कि भाई एक ही है। अगर कुछ हमें डिसीजंस लेने होंगे तो हम एक दूसरे से पूछ के लेंगे, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन होता है ना। कहीं हम जाते हैं तो हम बता के जाते हैं कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो बता के जाएगी मैं ये यहाँ जा रही हूँ, तो मिलजुल के कम्युनिकेट करके डिसीज़न लेते हैं, और दोनों की एक ही लाइफ होती है। ब्राज़ील में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, भारत में दोनों की एक ही गाड़ी चलती है, ब्राज़ील में दोनों की गाड़ियाँ अलग अलग चलती हैं, ठीक है। ठीक, तो ऐसा होता है वहाँ पे, दोनों की गाड़ियाँ अलग होती हैं, दोनों की लाइफ अलग होती है। तो मतलब इसका ये, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग घर में नहीं रहते, एक ही घर में रहते हैं, जैसे यहाँ पे रिलेशन होता है वैसे ही होता है, लेकिन वहाँ पे दोनों की अलग अलग लाइफ होती है। हस्बैंड वाइफ जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना, वाइफ जो चाहे वो कर सकती है, उसको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। हस्बैंड जो चाहे वो कर सकता है, उसको कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो वहाँ ऐसा सिस्टम है कि दोनों की अलग अलग गाड़ियाँ चलती हैं, और भारत में दोनों की एक गाड़ी चलती है। तो हम लोग इस सब से अकस्टम्ड हैं। तो क्या होता है, कई बार जब भारतीय लड़कों की वहाँ की लड़कियों से जब रिलेशनशिप कभी होता है, और तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं, और वो होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता अलग है, उनकी मानसिकता अलग है, ना हम गलत हैं ना वो लोग गलत हैं, वहाँ सब लोग वैसे ही सोचते हैं, उन लोगों की सोच वैसे ही है। अगर आप महिलाओं से बात करोगे तो उनकी सोच वैसे ही है, अगर आप पुरुषों से बात करोगे तो भी उनकी सोच वैसे ही है। अगर आप यहाँ आएंगे, यहाँ के महिलाओं से पुरुषों से बात करेंगे तो उनकी सोच जो है वो हिंदुस्तानी है, जैसे हमारा कल्चर है। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, अभी ऐसा होता है कि भाई वहाँ महिलाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, अपना नौकरी वोकरी करती हैं, है ना, तो उनका फिर ये हो जाता है कि भाई मैं अपने घर का ध्यान खुद रखती हूँ। ये मैंने खुद महिलाओं को बात करते हुए सुना है ब्राज़ील की, अपने मन से मैं नहीं लगा रहा हूँ कुछ, मैंने खुद वहाँ की महिलाओं को आपस में बात करते हुए सुना है, ऐसे स्टेटमेंट्स वो खुद दे चुकी हैं, मैंने सुना है, देखा है। मैं तो काम करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता, जिसको जो करना है करे, सबके अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन भाई जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो आपको बताता है। तो वहाँ की महिलाओं का ऐसा सोचना हो जाता है कि मैं खुद अपना काम करती हूँ, मैं अपने पैसे खुद कमाती हूँ, मैं घर का ध्यान खुद रखती हूँ, है ना, मैं अपने सब बिल्स मैं खुद पे करती हूँ, मैं अपना खाना बना लेती हूँ, तो मुझे आदमी की क्या ज़रूरत है, ये थिंकिंग हो जाती है। तो ये वाली जो थिंकिंग हो जाती है, वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, इंडियन गर्ल वर्सेस ब्राज़ील गर्ल फॉर मैरिज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि फेमिनिज़्म भारत में भी है, ब्राज़ील में भी है, ब्राज़ील में थोड़ा जो उसका जो लेवल है वो ज़्यादा एक्सट्रीम है ना, वो एक्सजरेटेड है, यहाँ पे वैसा नहीं है, है ना। यहाँ पे है कि हाँ भाई वुमेन है, उनको काम करने दो, पढ़ने दो, है ना,
लड़कियों को पढ़ाई कराओ, उनको काम करने दो, उनको जो चाहे वो करियर सिलेक्ट कर सकती हैं। और हम पूरी तरह से सहमत है ना, कि भाई लड़की है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो चाहे वो करें। फौज में भी जाती हैं लड़कियां, है ना, हमारे भारतीय सेना में भी जो है महिलाएं हैं, तो ये चीज़ होता है। तो वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का वो लेवल ही अलग है उनका फेमिनिज्म का, तो ये चीज़ हो जाती है। और हमारे यहाँ कैसा होता है कि भाई ये एक सेंटिमेंट होता है, सब में होता है, लड़के हों या लड़की, कि भाई शादी कर लो, साथ रहता है, ये फीलिंग होती है। तो एक उम्र आ जाती है तो फिर लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी कहते हैं कि भाई शादी कर लो, साथ रहेगा, है ना, फैमिली हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं, कि भाई कोई साथ हो जाएगा आपके। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये वहाँ के लोग ये सब चीज़ें नहीं सोचते। फॉर श्योर वहाँ के लोग भी शादी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई शादी ही नहीं करता है, सब ऐसा नहीं है, लेकिन थिंकिंग में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। ये जो थोड़े थोड़े जो चेंजेस मैं बता रहा हूँ, यही जो चीज़ें हैं ये क्रिएट कर देती हैं फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत है, अगर आप रिलेशनशिप में उतरना चाह रहे हैं या हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आप खुद थोड़े अपने में चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ये उन लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं रहता कि भाई शादी कर लो, साथ रहेगा। और वहाँ कोई घर वाले भी नहीं बोलते, यहाँ घर भारत में कैसा होता है, घर वाले बोलेंगे, रिलेटिव्स बोलेंगे, है ना, अंकल आंटी बोलेंगे, चाचा चाची बोलेंगे, भैया दीदी बोलेंगे, है ना, भाभी बोलेगी कि भाई शादी कर लो, साथ रहेगा, और ऐसा वैसा समझाते हैं। वहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं करता, वहाँ अपनी ज़िंदगी है, शादी करना नहीं करना आपको, है ना, इंजीनियर बनना है कि क्रिमिनल बनना है, जो करना करो, कोई किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देता। तो वहाँ के कुछ कुछ चीज़ें सही लगी मुझे, कि जैसे करियर में वो लोग दखल नहीं देते हैं, करियर जो चुनना चुन लो, वो सही है बिल्कुल। फिर ये शादी से रिलेटेड, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी चीज़ें आ जाती हैं जो इशू क्रिएट कर सकती हैं, तो ये शादी कर लो साथ रहेगा वाला ऐसा बहुत नहीं सोचते। और हमारे भारत में कैसा होता है कि भाई शादी हो गई तो बोलते हैं मेरा पति, है ना, मेरी पत्नी। वो शाहिद कपूर की फिल्म आई थी एक, और विवाह फिल्म आई थी, उसमें गाना था मुझे हक है, तो मुझे हक है जो गाना आया था, ये जो चीज़ है ना ये यहीं पे है, कि मुझे हक है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है ना, ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वहाँ पे सीधा सा है, आपको कोई हक नहीं है, ठीक है, आप ओनर नहीं हो। इंडिया में होता है मुझे हक है, ब्राज़ील में होता है तुम्हें क्या हक है, तुम्हें कोई हक नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं वहाँ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही है, 101% प्रॉब्लम है। अगर आप इंडियन हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली, मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। वहाँ ऐसा है कि आप ओनर नहीं हो। भारत में कैसा होता है भाई, शादी हो गई तो भाई मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, और आप बिल्कुल ओनर हो जाते हो, एक दूसरे के साथ में ही रहना, एक ही थिंकिंग, एक ही बात, मिलजुल के। वहाँ पे ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता, ब्राज़ील में ये होता है कि भाई आप उसके ओनर नहीं हो और वो आपकी ओनर नहीं है, मतलब वो आपको कुछ नहीं बोल सकती ना आप उसको कुछ बोल सकते हो। ये वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, और इस रीज़न की वजह से बहुत सारे जो हैं रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, कि भाई ओनर नहीं हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा होता है ना, कि वाइफ अगर कुछ करेगी आपकी, फॉर एग्जांपल वाइफ आपकी ड्रिंक कर रही है, तो आप उसको ये बोल भी नहीं सकते कि भाई तू ड्रिंक मत कर, ड्रिंक तो करना ख़राब होता है ना, मान लो ज़्यादा पी ली उसने, उसको चढ़ गई, अगर मान लो कहीं चली गई पीने पाने दोस्तों के साथ, ज़्यादा पी ली चढ़ गई, तो आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि भाई तू कम पिया कर। अगर आप कहेंगे ना कि तुम कम पिया करो, तो वो ये कहेगी कि तुम मेरे ओनर नहीं हो, तुम किस हक से बोल रहे हो। ये चीज़ वहाँ हो जाती है, तो समझ गए, एक छोटा सा ऐसी जनरल एग्जांपल दिया मैंने कि भाई आप कुछ नहीं बोल सकते हो, वहाँ सामने से आपको जवाब मिलेगा कि तुम किस हक से मुझे बोल रहे हो, तुम मेरे ओनर नहीं हो, ये सब चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ है, वहाँ की महिलाएं कहती हैं कि हमें स्पेस चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए। तो क्या हो जाता है, ये सब बातें आती हैं, स्पेस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा राजा भैया, तो सही है ना, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वहाँ इसका मतलब ही अलग है, ठीक है। स्पेस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए,
और मैं किस्सा बताता हूँ। एक मैं बात कर रहा था किसी ब्राज़ीलियन महिला से, ऐसे फ्रेंडली कन्वर्सेशन था, तो ऐसे ही वो पूछ रही थी कि भाई तुम्हारी क्या गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं है मैडम। तो बोले क्या क्या हो, क्यों क्या हुआ? तो मैं बताया कि भाई यहाँ की हम इंडियन हैं, हमारी थिंकिंग अलग है, यहाँ के लोगों की थिंकिंग आप लोगों की अलग है ना। तो फिर वो बता रही थी और फिर वो बातें करने लगी कि देखो मैं भी मैरिड हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो स्पेस, लिबर्टी, प्राइवेसी तो होनी चाहिए ना। तो मैंने फिर वो महिला से बात ही नहीं की। मैं समझ गया कि ये भी वो उसी थिंकिंग वाली है, उसको कैसा होता है ना, जो उल्टे दिमाग वाले होते हैं उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने बात नहीं करी, मैंने कहा छोड़ो है, जाने दो, है ना। ऐसे ही फ्रेंडली कन्वर्सेशन थी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो महिला मुझे कुछ हफ्तों के बाद एक लड़के के साथ फ्लर्ट करती हुई दिखी। समझ गया, स्पेस चाहिए है, प्राइवेसी चाहिए है, लिबर्टी चाहिए है, और फिर उनको तुम्हें जहाँ मुँह मारना है तुम मारो, हमें जहाँ मुँह मारना है हम मारें, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, बहुत होता है, और है ना, आपको पता है फिर तलाक के वहाँ पे केसेस भी ज़्यादा हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो ये हाँ वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पे वो कैसे हैं, और लोगों की कैसी, वहाँ के लोगों की थिंकिंग है, महिलाओं की कैसी थिंकिंग है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप ये सोच के वहाँ शादी करते हो कि वो भाई महिला है वहाँ की, वो बदलेगी या कुछ एडजस्टमेंट करेगी, तो फिर ये आपकी फिर सबसे बड़ी भूल होगी। अगर आप ऐसा सब सोच के करते हो, आपको बहुत ध्यान से बात करनी है, देखनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, इंडियन गर्ल, ब्राज़ील गर्ल फॉर मैरिज, दोनों में डिफरेंसेस, वो ज़रूर आप देख लें। उसमें मैंने और डिटेल में बताया है कि ऐसी थिंकिंग है क्या है, और आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं, वो आपका है पर्सनल, और महिलाओं की कैसी मानसिकता है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, वो भी मैंने आपको थोड़ा बताया। इस पे हम और भी वीडियो बना सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो फ्यूचर में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।